इस्लाम के साथ उसको पसंदीदा मुल्क करार दिया तो हमें कुछ शिकवा है? हमें तो शिकवा नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी काम को सिर्फ पसंदीदा मुल्क करार ना दो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, लाल किला हमारा है, हमारा झंडा इंशाल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जो है इंशाल्लाह लाल किला पर भी लहराएगा, उससे आगे भी जाएगा। मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा ना हो, लेकिन इंशाल्लाह तबारक व तआला चश्मे फलक की नजारा देखेगी। भारत ने गलती की तो फिर इंतकाम के लिए हमें फतुहात का सिलसिला जारी करना पड़ा। जब मोहम्मद बिन कासम आए, इस हिंदुस्तान ने हमारी औरतों और बच्चों को कैदी बनाया हुआ था, मोहम्मद बिन कासम को आकर फिर यहाँ फतुहात का सिलसिला जारी करना पड़ा। उसके बाद जयपाल भोपाल ने हजारों हाथियों के साथ जब गजनी पर हमला कर दिया तो महबूब गजनवी ने मक्किया मांगा, सारा हिंदुस्तान पता करके अल्लाह के दीन के झंडे लहराकर ईरान ने पता कर दिया। और फिर उसके बाद शहाबुद्दीन बारी को इसलिए आना पड़ा कि उस दौर के हिंदू मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ चढ़ा रहे थे। हाँ हिंदुओं, आज मनमोहन हम तुम्हें ये बात कह देना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में मोहतरम प्रोफेसर हफ्ज़ अब्दुर रहमान मक्के, अमीर हमदा, अमीर अलालिम, दीगर जोमा की मौजूदगी में कि आज फिर तुमने दो बड़ी गलतियां की हैं। एक गलती तो ये की है कि तुमने जब सारा यूरोप और सारा अमेरिका ये 40 मुल्क अफगानिस्तान पे हमलावर हो रहे थे तो तुम हिला हिला के इनको वेलकम कह रहे थे। अब पूछते हो अपनी एजेंसियों से, यूरोप तो भाग चुका, अमेरिका जा रहा है, इसके बाद लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हजरतार मुजाहिदीन अफगान मुजाहिदीन तालिबान ये कहाँ जाएंगे? मनमोहन तेरी नालायक एजेंसियों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, ये कहाँ जाएंगे? तो हम बतला देते हैं ये गज़वाए हिंद के लिए कश्मीर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। करो इंतजार करो इंतजार करो। और दूसरी गलती, तुमने हमारे दरिया बंद कर दिए, चौरासी डैम मुकम्मल कर लिए और अब किधर पानी रोक रहे हो? सुनो, हम आज भी तुम्हें ये कहना आके आए हैं, हमारा पानी छोड़ दो, वरना हम तो वो कौम है मक्का और मदीना जहाँ ना कोई दरिया था, ना नहर थे, ना डैम था। हम उन सहराओं से चले और एक सदी के अंदर अंदर दुनिया के बड़े बड़े दरिया तजरा फरात सिंध गोलगा हमारे पांव की ठोकर पर थे। मनमोहन फिर ये डैम बनाओगे तुम, इस्तेमाल हम करेंगे इंशाअल्लाह।